हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे हैं आपके फेवरेट चैनल स्मार्ट शरद टेक। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आज है 5 मार्च और कल है 6 मार्च, फ्राइडे का दिन, जो कि अपना वीकेंड दिन। वीकेंड दिन में आप लोग को मैं ज़बरदस्त पैसा निकाल के देने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो में आप अगर स्किप करके देखोगे तो आपको शायद मालूम नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और पैसा कमाइए फ्राइडे का दिन 6 मार्च को। कौन सा शेयर आपका सामने फ्रेंड्स? डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज। इसमें होगा पैसा की बारिश, कौन सा पैसा के बारिश है, नज़र क्या रखना है। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल्स बात करेंगे, वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरा चैनल में कोई न्यू व्यूअर्स है कि फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है मेरा चैनल, तो उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा अगर सब्सक्राइब करते हो तो। तो फ्रेंड्स, अगर आप डीमैट में आपने अगर शेयर मार्केट में काम करना चाहते हो तो पहले सबसे पहला चीज़ रहता है आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अगर आप लोग मेरा लिंक थ्रू अगर ओपन करते, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक में अगर आप क्लिक करके ओपन करते हो, किसके साथ? नंबर वन इंडिया का ब्रोकर जो कि जीरोदा के साथ, तो मेरे तरफ से आपको काफ़ी सारा अट्रैक्टिव बेनिफिट्स मिलेगा। जो बेनिफिट्स की आप लोग को मैं अगर मेरा चैनल थ्रू अगर आप मेरा जो लिंक थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, मेरे तरफ से आपको मिलेगा मेरा सपोर्ट ग्रुप में जगह, जो जगह के हिसाब से आपको इंट्राडे में बेसिस में काफ़ी अट्रैक्टिव कॉल मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम। और सेकेंड चीज़ फ्रेंड्स, आपका कोई भी क्यूरीज रहेगा तो मैं सॉल्व करूँगा वो भी है। तो फ्रेंड्स, चलते आज के जो टॉपिक के ऊपर, टॉपिक क्या है और इसमें कैसा पैसा कमाना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन का कारोबार देख लेते हैं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का, 5 मार्च का है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 3172 रुपीज़, और उसमें ओनली 1.5 पॉइंट की 2 पॉइंट का आसपास आप बोलते हो पॉजिटिव है। तो प्रीवियस क्लोजिंग जो था फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आप लोग को जैसे समझ में देखने आना चाहिए। तो प्रीवियस क्लोजिंग जो था 3171, ओपनिंग भी उतना ही उधर ही हो रहा है, और हाई फ्रेंड्स हाई देखेंगे 3231 और लो 3166। लो टू हाई को कंपेयर करेंगे तो 65 पॉइंट का मूवमेंट था अप मूव, बट जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग होने का टाइमिंग हो गया, ऐसे ऐसे कंपनी में गिरावट आ गया और कंपनी ने क्लोजिंग दिया ओनली 1 पॉइंट अप मूव के साथ। तो फ्रेंड, एक नज़र डाल देते हैं 52 वीक के हाई और लो के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, 52 वीक की हाई जो है 3364, जो कि 20 फरवरी को मारा था, और लो तो छोड़ दीजिए, लो बहुत ही नीचे गया है। तो आज का दिन का जो कारोबार है इसका एक बार नज़र डाल देते हैं। तो आज का दिन में जो डिलीवरी क्वांटिटी गया फ्रेंड्स, डिलीवरी क्वांटिटी 32% डिलीवरी क्वांटिटी गया, और मैं हमेशा 25% को अच्छा मानता हूँ डिलीवरी। तो फ्रेंड, ये तो सब हो गया अच्छी बात। आप बोलेंगे सर ऐसे तो अच्छी बात कर रहे हो, तो पैसा किधर बनेगा? सर फ्रेंड, पैसा बनाने का अभी दिखाता हूँ पैसा किधर बनेगा। एक लेटर मैं ओपन करता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज का लेटर है, आज का डेट का है 5 मार्च का। देखिए फ्रेंड्स, मैं 5 मार्च का लेटर दिखा रहा हूँ आप लोग को, और ये लेटर में क्या है ना, लेटर में यही चीज़ है, मैं आप लोग को क्लियर करके बता देता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ बाद में आपको बताऊँगा। दिस इज इन्फॉर्म यू टू दैट द ऑडिट ऑफ आवर API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 5 तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में इनका जो API फॉर्मूला API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो प्लांट में USFDA का ऑडिट था। USFDA का जो ऑडिट था हैज बीन कंप्लीट हो गया उनका ऑडिट, और वी हैव इशू टू फॉर्म 483 विथ 3 ऑब्जर्वेशन। वी विल एड्रेस टू कंपल्सरी विद द टाइमलाइन, दिस इज इन्फॉर्म टू यू। तो फ्रेंड्स, ये मैं इन शॉर्ट में आपको बोलना चाहूँगा, इनका जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में जो प्लांट है वो भी API का, API मीन्स जो रॉ मटेरियल बनाने वाला प्लांट है, तो उसमें API का फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट।
तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका जो एपीआई का, तो वो एपीआई का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो प्लांट है, प्लांट 5 का ऊपर जो ऑडिट चल रहा था यूएसएफडीए का, यूएसएफडीए का जो ऑडिट चल रहा था, ये ऑडिट कंप्लीट हो चुका है आज। और उसमें जो उनको मिला है फॉर्म 6483 नंबर का फॉर्म मिला है। ये वो फॉर्म क्या है, पहला चीज़ है जिसको जो ऑडिट जो फार्मास्यूटिकल को अगर यूएसएफडी अगर ऑडिट होता है बाद में ये 483 नंबर देते हैं जो फॉर्म इशू करते हैं, इसमें इसमें रहता है ऑब्जर्वेशन फॉर्म, ना पास ना फेल। तो उनको टाइमलाइन दिया जाता है 15 डे आसपास, 15 डे का। इसका अंदर ये जो ऑब्जर्वेशन जो यूएसएफडी ने जो ऑब्जर्वेशन निकाला उसको अगर तुम क्लियर करते हो तो आगे तरफ तुम बढ़ सकते हो, नहीं तो आपको फिर नेक्स्ट ऑडिट के लिए फिर प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसका मीन्स इट मीन्स आप बोल सकते हो ये एक नेगेटिव न्यूज है। तो फ्रेंड्स जो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते होंगे, जॉब करते होंगे, उनको तो मालूम रहेगा। अगर जो आप लोग जो अगर कोई भी नहीं काम करते होंगे तो इसमें आप इंसर्ट बोल सकते हो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव न्यूज। तो अगर यूएसएफडी ने जिसको 483 नंबर का फॉर्म इशू करता है और इसमें इनको जो डॉक्टर रेड्डी को जो इशू किया इसमें 3 ऑब्जर्वेशन लिए देखे, मीन्स 3 कुछ उनको जो पसंद नहीं आया आज पर यूएसएफडी गाइडलाइन का हिसाब से, तो ये गाइडलाइन के हिसाब से जो पसंद नहीं आया यूएसएफडी को, इसलिए यूएसएफडी ने उनको क्लियरेंस नहीं दिया और ऑब्जर्वेशन में रखा और 3 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करो और हमारे पास से लेटर लो। ये इसका मीनिंग। तो ये मीनिंग चलते हुए जैसे कि आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा, कल इसमें आप लोग को मार्केट जैसे ओपन होता है कौन सा दिशा में ओपन होता है। अगर ये मार्केट मेरे ख्याल से कल नेगेटिव साइड में ओपन होना चाहिए। अगर नेगेटिव साइड में अगर ओपन होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी इसका ऊपर जो हिसाब से अभी जबरदस्त कोरोना वायरस के वजह से जो हिसाब से तेज रफ्तार पकड़ा था कंपनी, थोड़ा तो इसमें सांस लेने के लिए नीचे आना चाहिए। नीचे आएगा तो कितना तक तो आएगा, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 100 पॉइंट का तो नीचे आ सकता है। और शायद अगर ये इसमें अगर मार्केट उसको पॉजिटिवनेस लिया, मीन्स बोलेगा तो ओनली 3 ऑब्जर्वेशन वो तो शॉर्ट टर्म में कर ही देंगे, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेगा तो मार्केट उठ जाएगा, फिर जाएगा 100 पॉइंट ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये तो इतना बड़ी पॉजिटिवनेस नहीं है न्यूज, तो ये गिर सकता है। आप लोग को ये दिखा सकता है कल 3100 का आसपास आ सकता है। तो फ्रेंड्स आप जैसे मार्केट ओपनिंग होता है, अगर आप लोग मेरा चैनल मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइनिंग नहीं हुए तो ज्वाइनिंग हो जाइए, मैं आपको प्री मार्केटिंग ओपनिंग में आप लोग को बता दूंगा इसमें अभी क्या करना है हमको। तो अगर ज्वाइनिंग करना है तो फटाक से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कीजिए, और फ्री इंट्राडे कॉल भी उधर मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वो अभी आपका फ़ायदा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का यही है, अगर कल अगर मार्केट है उसको अगर नेगेटिवनेस लेता है तो हम लोग को 150 का आसपास पॉइंट तक गिरावट दिखा सकता है। अगर पॉजिटिवनेस लेगा तो मार्केट इसमें हम लोग को 50 पॉइंट का आसपास पॉजिटिव दिखा सकता है। मेरे ख्याल से ये कल तो आपको नेगेटिव साइड दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरा चैनल में फर्स्ट टाइम हो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरा वीडियो को। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग कीजिए, और जीरोधा में अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपको मेरा सपोर्ट ग्रुप में भी ऐड करते रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये मेरा था व्यू, आशा करता हूँ मेरा व्यू आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मेरा चैनल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।